हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी नीट लाइव डेली। सो विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आपको अपने मकसद में कामयाबी मिले। जो मेहनत आप दिन रात कर रहे हैं, ऊपर वाला उस मेहनत का फल आपको जरूर देगा, राइट जी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आई एम डॉक्टर सचिन कपूर एंड नियरली 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके प्यार के कारण, आपने जो रिस्पेक्ट दी है इतनी, उसी की वजह है कि आज यहाँ पे आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। ओके जी, चलो शुरुआत करें आज की क्लास की। ग्रेट। सो क्या है आज हमारे पास आपके लिए? वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेक्चर नंबर 10 है आज हमारा। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का ये सफर जो है, कहां से शुरू करा हमने? पिछली क्लास से मैंने आपको बता दिया था कि डार्विनिज्म में कुछ कमियों को दूर करते हुए नियो डार्विनिज्म बना, राइट? नियो डार्विनिज्म ही धीरे धीरे इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बदल गया। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, नॉलेज फ्रॉम द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, फ्रॉम द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जू जियोग्राफी, पेलियंटोलॉजी। अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनका ज्ञान सब समेट करके, एक साथ करके मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, इसका जन्म हुआ है। किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी है ये थ्योरी, अलग अलग साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम जानेंगे थियोडोसियस डॉब्जेंस्की ने क्या करा है, ह्यूगो डी व्रीस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सिविल राइट का क्या कंट्रीब्यूशन है, स्टेबिन्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, हार्डी एंड वेनबर्ग का क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट? ना तो ये एक दिन में दी गई थ्योरी है और ना ही एक व्यक्ति के द्वारा दी गई ये थ्योरी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग समय पर अपना अपना योगदान रहा है, ठीक है बेटा जी, और ये आज तक भी डेवलप होती जा रही है। जेनेटिक्स में आए दिन नई रिसर्च हो रही है, पेलियंटोलॉजी के फील्ड से हमें नई नई बातें पता चल रही हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पता चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलकर के इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को और ज़्यादा रिच करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम ये बेहतरीन थ्योरी जो है पढ़ने जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें, बहुत सारे नए कंसेप्ट पता चलेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, जिनको अक्सर आप रटते हैं और आपको समझ नहीं आता, अच्छी उदाहरणें, अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं मिल पाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको आज बताने वाला हूँ, राइट जी। चलिए तो पूरी गर्मजोशी के साथ शुरू करते हैं फिर हम। लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप, टेलीग्राम का ये ऐप आपके सेलफोन में होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप tinyurl.com/neetlivechat ये फोन के ब्राउजर में टाइप करेंगे, राइट? ब्राउजर बार होता है ना, जहां आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, वहां पे आप टाइप कर देंगे और उसके बाद आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म, विच इज अनडाउटेडली प्लस, प्लस मीन्स बेहतर, एडवांटेज, कुछ एडिशनल है इसमें। तो भाई जो कुछ एडिशनल है वो एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशंस। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। समय बीतता जा रहा है, दिन कम बचे हैं, कुछ 184-185 दिन के करीब बचे होंगे नीट के एग्जाम में। सो ये वो समय है जब हमें हमारे डाउट्स के जवाब साथ के साथ मिल जाने चाहिए, बहुत बेहतर होगा। मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है, जो आप में से ये ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी वो जानते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं प्लस की। देखो बेटा, 1 नवंबर से ये नया बैच है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर, अश्वनी सर हैं, देन यू हैव महेंद्र सर ऑल्सो, राइट? सो आप इस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत से एजुकेटर्स हैं आप देख पा रहे हैं, उनके भी अलग अलग बैचेस हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सो कम समय में बेहतरीन तरीके से अगर आपको अपना सिलेबस कवर करना है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, तो भाई प्लस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अनअकैडमी का ये बेहतरीन लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है प्लस के सेक्शन में और वहां से आपको चूज करना है
नीट, नीट इज द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. जब आप फाइनली सब्सक्रिप्शन के लिए डिसाइड कर लेंगे तो यह कोड यूज करना नहीं भूलेंगे. दिस इज नीट लाइव कोड, NEETLIVE. ये नीट लाइव कोड हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है. टोटल फी में आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलता है एंड पॉकेट फ्रेंडली रहता है. सो क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और क्या चाहिए. नीट लाइव कोड फिर से आपके पीछे, मेरे पीछे लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको इस पे. चलो जी राजा बेटा, आप देखते हैं कोटेशन क्या है आज हमारे पास. द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी, राइट. सो कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि छोटी छोटी बातें बड़ा गहरा मतलब अपने आप में समेटे होती हैं. लेकिन मेन मुख्य बात यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के चलिए, गोल पे फोकस्ड रहिए, इधर उधर भटकने मत दीजिए अपने मन को, अपने दिल को, वरना वो नहीं पा सकेंगे जो आप चाहते हैं लाइफ में, सिर्फ उसी में उलझ के रह जाएंगे जो आज हमारे सामने है. सो मकसद बहुत ऊंचा है हमारा, तिनका तिनका समेट करके वो आशियां बनेगा, उसके लिए मेहनत तो लगातार जारी रहनी चाहिए. और आप सब में वो काबिलियत है, हीरा सबके अंदर छुपा है, बस उसके ऊपर जो हल्की सी धूल मिट्टी है तराशने की जरूरत है, उसके लिए हम हैं आपके पास. चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं. और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा. हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर सकते हैं, वहां पे हम आपको जरूर पकड़ेंगे. बात करते हैं जी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की. दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है. और जैसा कि मैंने कहा, मैनी साइंटिस्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस थ्योरी. थियोडोसियस डॉब्जेंस्की, सिंपली आप डॉब्जेंस्की भी याद रखेंगे इतना भी चलेगा. डॉब्जेंस्की ने किताब लिखी है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब डार्विन की, और उसमें जेनेटिक्स की नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करा डॉब्जेंस्की ने, और एक किताब लिखी है इन्होंने जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है, किताब लिखी है द म्यूटेशन थ्योरी. जूलियन हग्सले, सिविल राइट ने कंसेप्ट दिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट का. हार्डी एंड वेनबर्ग का पूरा डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे हम. हार्डी एंड वेनबर्ग ने दिया है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, जिसे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी कहा जाता है. फिशर एंड जेबीएस हाल्डेन, अर्नस्ट मायर एंड जीएल स्टेबन्स. Stebbins in his book, Stebbins की किताब है, किताबों के नाम याद रखिएगा बेटा, Process of Organic Evolution, he discussed the synthetic theory, right? Dobzhansky की किताब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, Genetics and Origin of Species. Dobzhansky worked on Drosophila population. He said, उनका एक famous statement है, Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Hugo de Vries wrote a book, The Mutation Theory. He wrote a book, The Mutation Theory. And Julian Huxley ki kitab, Evolution, Modern Synthesis. Books ke naam, authors ke naam, yaad honi chahiye. Theek hai ji? Chaliye. Kya kehna hai is Modern Synthetic Theory of Evolution ka? Dekhiye, sabse badi baat jo isme aapko pata honi chahiye, you should have fundamental knowledge of genetics also. Darwin ki theory mein kuch galatiyan kyun reh gayi thi? Because the main drawback of the theory was lack of knowledge of genetics. Darwin's theory explains survival of the fittest, but it does not explain arrival of the fittest. Matlab ki jo behtar hai, maan liya ki wo behtar hai, wo alag hai dusron se. भाई वो अलग क्यों है, उसके बेहतर होने का कारण क्या है. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो ठीक बात है, उसका अराइवल कहां से हुआ, जो अलग है वो दूसरों से अलग क्यों है. सो कहां पे उसका कारण मिलेगा अलग होने का, दूसरों से विभिन्न होने का, डिफरेंट होने का कारण क्या है. वेरिएशंस. डार्विन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन, व्हिच इज अल्टीमेटली म्यूटेशन, राइट. डार्विन को म्यूटेंट्स के बारे में पता था, ही यूज द टर्म स्पोर्ट्स फॉर म्यूटेंट्स, बट उन्होंने कहा कि ये म्यूटेंट्स या ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन वर्ड यूज नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स हैं, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस हैं, दीज डू नॉट हैव एनी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस. लेकिन फिर हमने पढ़ा था ह्यूगो डी व्रीज़ की म्यूटेशन थ्योरी पे, जिन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पे काम करा था, उन्होंने कहा था कि नहीं, एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन भी एक नया स्पीशीज बना सकती है, राइट. चलिए देखते हैं क्या लिखा है.
इट इज द पॉपुलेशन दैट इवॉल्व्स, ये बात इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मैंने बिगिनिंग में भी आपको बताया था कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इवॉल्व करता क्या है पॉपुलेशन. कोई एक इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करता, मैं या आप इवॉल्व नहीं कर सकते. इवोल्यूशन होता है बेसिकली जीन पूल में होने वाले बदलाव. जीन पूल क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स इन अ पॉपुलेशन. आज आप किसी पॉपुलेशन को स्टडी कीजिए, इस पॉपुलेशन की डिसेंडेंट पॉपुलेशन, उसकी डिसेंडेंट पॉपुलेशन, उसकी डिसेंडेंट पॉपुलेशन, कई जेनरेशन बाद जो पॉपुलेशन होगी उसका जीन पूल स्टडी कीजिए. आपको ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन और अब इस डिसेंडेंट पॉपुलेशन के जीन पूल में बदलाव नजर आएंगे. यही इवोल्यूशन है. तो बेटा कोई एक इंसान थोड़े ना इवॉल्व हुआ है. इवोल्यूशन कहां हो रहा है? पॉपुलेशन में. एंड व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन? नेचुरल सिलेक्शन. देखते हैं जी. इट इज द पॉपुलेशन दैट इवॉल्व्स एंड नॉट इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स. इंडिविजुअल का रोल क्या है एक पॉपुलेशन में? भाई इंडिविजुअल का रोल है अगली जेनरेशन तक अपना जो जेनेटिक्स है, जो अपना वेरिएशंस है या जो भी जीन्स है वो पास ऑन कर देना. द इंडिविजुअल्स रोल इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज टू पास इट्स जेनेटिक वेरिएशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स. राइट, अपनी जेनेटिक वेरिएशन अगली जेनरेशन तक डालना रिप्रोडक्शन के जरिए, यही तो एक इंडिविजुअल का रोल है. इवोल्यूशन अकर्स थ्रू, किस प्रकार हो रहा है इवोल्यूशन? इट अकर्स थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस. वही जेनेटिक वेरिएशंस जेनरेशन दर जेनरेशन जब इकट्ठी होती जाती हैं, तब आपको वो चीज एक ड्रास्टिक अलग तरीके से डिफरेंट नजर आने लग जाती है. ठीक है. सो इवोल्यूशन अकर्स थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इवोल्यूशन होता हुआ आप अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकते. यदि मैं आपसे कहूं कि एलिफेंट पॉपुलेशन की 100 जेनरेशंस स्टडी कीजिए आप, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू. एक इंसान का स्वयं का लाइफ स्पैन ही कितना है? अपने जीवन काल में 2 नहीं तो 3 जेनरेशन ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए स्टडी कर ली, इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है. राइट, कब वो एनिमल पैदा हो, कब वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचे, कब उसकी अगली जेनरेशन आए, वो बड़ी हो, वो रिप्रोड्यूस करे, उसमें कितना समय लग जाएगा. सो लार्जर हायर ऑर्गेनिजम्स में आप इवोल्यूशन अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बहुत लंबा समय लग जाता है. बट वी हैव टू बिलीव इन इवोल्यूशन, क्योंकि मैंने बताया था देर आर डेफिनेट एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन. क्लियर है जी? इतना मजा आ रहा है? एक कहानी की तरह समझ आ रही है चीजें, रटने की कोशिश नहीं करनी है, एक स्टोरी की तरह समझिए इसे. राइट, अपने सब्जेक्ट से प्यार करना सीखिए, एक अटैचमेंट डेवलप कीजिए अपने टीचर के साथ, अपने मेंटर के साथ एक बॉन्ड डेवलप कीजिए, प्यार का बॉन्ड, रिस्पेक्ट का बॉन्ड. राइट, तभी आप चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. द चेंज इन जीन्स अकर इन द फॉलोइंग वेज. क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे कि जेनेटिक वेराइटी आती है? म्यूटेशन, आप जानते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन, पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसका दूसरा नाम है सिविल राइट इफेक्ट, नॉन रैंडम मेटिंग, हाइब्रिडाइजेशन. तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम अभी आगे स्टडी करेंगे. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को समझने के लिए इन बातों का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है. बढ़े जी आगे. लाइक्स आ रहे हैं आपके साथ के साथ, दैट्स रियली गुड. आपके लाइक्स एनर्जी का काम करते हैं, एटीपी का काम करते हैं. म्यूटेशन क्या है जी? ह्यूगो डीव्रीज, याद है आपको, इनोथेरा लमार्कियाना प्लांट पे काम किया उन्होंने, इवनिंग प्रिमरोज. ह्यूगो डीव्रीज बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन. इन्होंने कहा था म्यूटेशंस आर द फाउंटेन हेड फॉर इवोल्यूशन. म्यूटेबिलिटी इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम डार्विन्स फ्लक्चुएटिंग वेरिएबिलिटी. डीव्रीज बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट the minor variations that Darwin talked about. Darwin ne kis cheez pe focus rakha mainly? Slow, small and fluctuating variations only. Right? Hugo de Vries ne kaha ki jo mutations hai, mutant jo hai, that can be fundamentally, drastically different from the parental generation. Mutations are sudden heritable changes. Mutation kisi prakar ka bhi ho, achha ho, bura ho, wo agli generation mein pass on हो सकता है. सम म्यूटेशंस आर यूजफुल, सम म्यूटेशंस आर हार्मफुल, सम म्यूटेशंस आर यूजलेस.
द यूजफुल म्यूटेशंस आर सिलेक्टेड, हार्मफुल म्यूटेशंस आर रिजेक्टेड, यूजलेस म्यूटेशंस कॉन्टिन्यू टू परसिस्ट इन द पॉपुलेशन. म्यूटेशंस अकर इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. म्यूटेशंस अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं. देर कैन बी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. अकॉर्डिंग टू डार्विन, इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल. डार्विन का मानना था इवोल्यूशन धीरे 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 हो रहा है. ह्यूगो डीवरीज़ ने कहा नहीं, एक ही झटके के साथ भी चीजें बदल सकती हैं. व्हाइल ह्यूगो डीवरीज़ सेड दैट म्यूटेशंस कॉजेज स्पीसिएशन. म्यूटेशंस एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन, सॉल्टेशन जिसे हम कहते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. म्यूटेशंस मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, देर आर जीन म्यूटेशंस. क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशंस. क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, दीज आर ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर एंड चेंज इन स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम्स का नंबर यदि बदल जाए या स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए, सो हम कहते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं. Changes in chromosome number. These mutations are caused by changes in the number of chromosomes. और ये further हो सकती है बेटा polyploidy या फिर aneuploidy. Polyploidy और aneuploidy में क्या अंतर है ये हम अभी देखते हैं. Now, polyploidy का मतलब क्या है? जैसे आपने पढ़ा है कि diploidy के बाद triploid condition आती है. Humans में 2n is 46. We said that it's a diploid condition, right? ट्रिप्लॉयड, टेट्रापोलॉयड, हेक्सापोलॉयड, पेंटापोलॉयड, ये वाली चीजें प्लांट्स में पॉसिबल हैं. अगर आप ह्यूमंस की बात करें ना, कि अगर आपने ये कहा कि सपोज देर इज वन ओवा एग सेल, उसमें दो स्पर्म एंटर कर गए, अगर एक ही स्पर्म एंटर करता है तो डिप्लॉयड कंडीशन है, दो स्पर्म एंटर कर गए तो क्रोमोसोम नंबर आप खुद ही देखेंगे ट्रिप्लॉयड हो गया. सो इस तरह के जायगोट जो है वो सक्सेसफुल क्लीवेज डिविजन्स नहीं कर सकते, वो जायगोट या एम्ब्रियो जो बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन प्लांट्स में पॉलीपोलॉइडी संभव है. सो पॉलीपोलॉइडी है, इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स. पूरा पूरा क्रोमोसोम का सेट बढ़ गया, राइट. एग्जाम्पल ट्रिप्लॉयड अगर 3n हो जाए, नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन क्या है आप जानते हैं, जब हम डिप्लॉयड कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं सो हम 2n लिखते हैं, राइट. ट्रिप्लॉयड 3n, टेट्रापोलॉयड 4n, पेंटापोलॉयड 5n, हेक्सापोलॉयड हो जाए तो 6n बोल देते हैं. दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेम जीनोम, अगर सेम जीनोम बड़ा है तो इट इज ऑटो पॉलीपोलॉइडी. Autopolypoidy. If the increase in number of chromosome sets due to coming together of genomes of two or more organisms, तब हम allopolypoidy कहते हैं. अगर उसी एक organism का अपना chromosome set जो है वो triple हुआ है या four times हुआ है तो कहलाएगा autopolypoidy. लेकिन अगर दो अलग अलग के आकर के मिले हैं तो वो कहलाता है allopolypoidy, right? It is also termed as interspecific polyploidy. दो अलग अलग species हो गया ना. Intra refers to the same species. Inter between two different species. Okay जी, चलिए आगे देखते हैं. Aneuploidy क्या है? अभी आपने क्या समझा? Polyploidy, जिसमें complete chromosome sets जो है वो triple या four times या five times हो सकते हैं. Aneuploidy में क्या होता है? देखिए, it's a mutation in which a numerical change occurs in chromosome number of the genome. जैसे monosomy आपने कह दिया, right? कोई chromosome में कम हो गया, ऐसे 2n minus 1, nullisomy that is 2n minus 2, trisomy, जैसे trisomy of chromosome number 21 हम पढ़ते हैं ना syndromes में, trisomy 2n plus 1 हो गया, tetrasomy 2n plus 2 हो गया. So there is a numerical change which is occurring in the chromosome. It is not that the entire set is going to be duplicated. वो नहीं हो रहा. Structural changes in chromosomes, यानी chromosome aberrations क्या हैं? When the change occurs in the morphology of the chromosome, it is called chromosomal aberrations. जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ, कोई एक सेगमेंट टूट गया, कोई एक सेगमेंट टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे लग गया, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, राइट. इनको आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में हम. देर आर फोर टाइप्स.
duplication, that is doubling of a segment. There is deficiency or the deletion of a segment. There is translocation, that is passing on of the segment of a chromosome to a non-homologous chromosome. Ya fir inversion, that is reversal in the order of the genes. Samajh aayi baat? Hum zikr kis cheez ka kar rahe hain beta? Modern synthetic theory of evolution ki sahi jankari agar aap rakhna chahte hain, to genetics ki ye jo fundamental baatein hain, ye pata hona bahut zaruri hai. Because ultimately, evolution kis level pe operate kar raha hai? Genetics ke level pe hi to badlaav aa rahe hain. अब की पॉपुलेशन और इसकी आगे की डिसेंडेंट पॉपुलेशंस का जीन पूल जब हम कंपेयर करेंगे वहां हमें जो बदलाव नजर आने हैं वही तो इवोल्यूशन है. ओके तो उसके लिए ये बेसिक टर्म्स हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी हैं. दो मुख्य बातें क्लियर करी हैं मैंने, पॉलीपोलॉइडी एंड न्यूपोलॉइडी एंड चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एबरेशन बताया आपको. जीन म्यूटेशंस की बात करते हैं जी. क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करी, अभी जीन म्यूटेशन की. व्हेन द चेंजेस आर इन जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन, जिसका कारण एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर कॉल्ड एज द जीन म्यूटेशंस. फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन म्यूटेशन वेरीज फ्रॉम जीन टू जीन. Rate of gene mutation is increased by the presence of radiations. There are many factors which can result in gene mutations. Mutagens jinhe hum kehte hain, wo harmful chemical substances ho sakte hain. Jaise aapne padha hai ya aap jante hain, tobacco smoking, tambaku jo hai jab jalaya jata hai, so kitne tarah ke harmful chemical substances produce ho rahe hain. Polynuclear aromatic hydrocarbons hain, acrolein, so ye sab cheeze mutations kar sakti hain. Ye mutagens hain jo ki cancer mein bhi jiske karan se cancer bhi ho sakta hai. What is cancer? Uncontrolled division of the cells. Rate of gene mutation is increased by presence of radiations and certain chemicals, aur unhe hum keh dete hain mutagens, right? Mutation causing agents. Mutated genes add new alleles to the gene pool. अब देखिए evolution क्या है, gene pool में होने वाला बदलाव. तो mutation जब हो गया है उसके कारण से नए alleles भी तो gene pool में add हो जाएंगे. Clear है जी? So mutations बहुत important role play करते हैं evolution में. Gene pool क्या है बेटा जी? Gene pool, it is the sum total of all different genes and their alleles present in a population. It is the gene pool that evolves. This is very important. Evolution genetics ke level pe jo ho raha hai. So, badlaav aaye kahan pe? Change hua kya? Gene pool change hua na. Koi evolution kisi ek gene ko lekar ke nahi hai. It's not about a single allele. आप खुद ही देखिए ना, एक पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही एलील थोड़े ना बदलेगा इतने समय में. भाई पूरे जीन पूल में कितने तरह के बदलाव हो गए होंगे, राइट? इट इज द जीन पूल दैट इवॉल्व्स एज द न्यू जीन्स यानी एलील्स आर एडेड और रिमूव्ड. द एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी म्यूटेशंस मे एड अप टू लार्ज स्केल चेंजेस विच फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. और हो सकता है इसमें हजारों साल लग जाएं. ये एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, दस साल में होने वाली प्रक्रिया नहीं है. इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है. क्लियर है? समझ आ रही है चीजें? कोई डाउट हो आपके मन में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. वीडियो अपलोड होने के बाद आप अपने विचार वहां भी दे सकते हैं. बात चल रही है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं बेसिक सी जेनेटिक्स की वो बातें जो आपको पता होनी जरूरी है यदि आप इवोल्यूशन को समझना चाहते हैं. जीन म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. ये टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एक अलग सेपरेट टॉपिक है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहां सिर्फ इस ब्रीफ टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ करवा रहा हूं. द जीन म्यूटेशन विच इन्वॉल्व चेंजेस इन मोर देन वन बेस पेयर ऑफ द एंटायर जीन, दे आर टर्म्ड एज ग्रॉस म्यूटेशन. सो पॉइंट म्यूटेशन, ग्रॉस म्यूटेशन. आगे बढ़ते हैं. जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है? देखो जी,
एक सिंपल सी बात बताता हूं, हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे ना, सो हार्डी एंड वेनबर्ग ने ये कहा था, किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी विद विच एन एलील अकर्स इन अ पॉपुलेशन, सो उन्होंने कहा किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इन अ रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। हार्डी वेनबर्ग ने कहा किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई कर दी जाएं। पहली कंडीशन थी पॉपुलेशन मस्ट बी वेरी लार्ज, ठीक है, ये हो सकता है। सेकंड कंडीशन थी देर इज नो एंट्री इनटू द पॉपुलेशन, देर इज नो एग्जिट फ्रॉम द पॉपुलेशन, नो इमिग्रेशन नो एमिग्रेशन, ना तो कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है उस पॉपुलेशन से, अब ये कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है, पॉपुलेशन में एंट्री एग्जिट तो लगा ही रहेगा, राइट। देन उनकी तीसरी कंडीशन थी मेटिंग इज कंप्लीटली रैंडम, लेकिन मेटिंग रैंडम नहीं होता, मेटिंग नॉन रैंडम है, यानी मेटिंग सिलेक्टिव है, पार्टनर्स जो हैं द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज मेल फीमेल वो आपस में स्वयं में ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस में बेहतर कैरेक्टर नजर आ रहा है, कौन सा सेक्सुअली अट्रैक्टिव फीचर है दूसरे पार्टनर में, उसके मेट करने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। मेटिंग रैंडम तो नहीं है ना, जानवरों में भी सिलेक्शन तो करते ही है ना, एक दूसरे को पसंद करके उनमें कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स नजर आते हैं जो उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी कही हुई ये बात दैट मेटिंग कंप्लीटली रैंडम है ये संभव नहीं हो सकती। देन उन्होंने ये कहा दैट म्यूटेशंस आर नॉट अकरिंग, ये भी संभव नहीं है, म्यूटेशन तो होते ही रहते भाई, उनको तो रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा एवरी एलील मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये भी संभव नहीं है। यानी हार्डी वेनबर्ग के द्वारा कही हुई बातें संभव नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन विच इज नॉन इवॉल्विंग, वेयर एज इवोल्यूशन इज अ डिपार्चर फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग ने एक इमेजिनरी कंडीशन क्रिएट करके कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन यदि कुछ खास कंडीशन अप्लाई हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। वो संभव नहीं है वो कंडीशन, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वो संभव कंडीशन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर डिस्टर्बिंग द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। उन फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे देर इज जीन रिकॉम्बिनेशन, देर इज जीन माइग्रेशन, देर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड देर इज नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो फैक्टर्स हैं यानी नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशंस, जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, ये किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट नहीं रहने देते हैं। क्लियर हुई बात अब? अब मैं आपको जीन रिकॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं। जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है? देखिए बेटा जी, इट अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। किन कारणों से जीन्स रिकॉम्बिनेशन करते हैं? नंबर वन, ड्यूअल पेरेंटेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल फीमेल दो पार्टनर इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रॉसिंग ओवर वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस के समय गैमेटोजेनेसिस जब हो रहा है, जब गैमीट्स बन रहे हैं, ओवा या स्पर्म जब बन रहे हैं, तो उस मियोसिस प्रक्रिया के समय क्रॉसिंग ओवर होता है, रैंडम फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू एलील्स, ये सब कारण बनते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। सिंस इट एड्स न्यू एलील्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स टू द जीन पूल, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन विच कॉजेज वेरिएशन, राइट। सो मैंने आपको मुख्य रूप से यह बताया कि जीन रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक फैक्टर हो जाता है जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। जीन रिकॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। देखिए, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो क्या है? माइग्रेशन शब्द का सादी भाषा में क्या मतलब है कि भाई एक जगह से उठ के जब किसी दूसरी जगह पे चले जाना है, दैट इज व्हाट इज माइग्रेशन। ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ मेटिंग पार्टनर्स। सो माइग्रेशन जब एक जगह से दूसरी जगह पे हुआ और जिस दूसरी जगह पे वो पहुंचे, members of a species ले लीजिए, members of a certain population, they migrate from one place to another place. Now when they reach that another place,
इफ द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज आर प्रेजेंट देयर, मान लीजिए कोई भी एक जानवर फिंचेस लगा लीजिए, वो साउथ अमेरिकन मेन आइलैंड से उड़ करके गैलापागोस आइलैंड चली गई, और अगर वहां पर भी फिंचेस ऑलरेडी प्रेजेंट होती, सो दीज न्यू एंट्रेंट्स दे आर गोइंग टू ब्रीड विद देम, राइट? नाउ जब भी उनके साथ ब्रीड कर रहे हैं तो हम कहेंगे जीन्स माइग्रेट हुए हैं, और रिपीटेड जीन माइग्रेशन जब हो रहा है तो जीन फ्लो है। सादी भाषा में से हम समझ लेते हैं कि भाई इंडिया से उठ करके लोग बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, कोई अमेरिका गया है, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके लोग शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अमेरिकन कैन गो टू ब्रिटेन, राइट? और फिर ब्रिटेन से उठ के कोई ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया से लोग थाईलैंड जा सकते हैं। सो अलग अलग जगहों से पॉपुलेशन में जीन माइग्रेशन जब हो रहा है, दिस इज व्हाट इज जीन फ्लो, राइट? समझ आई बात? जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। एक से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन। इफ द माइग्रेटिंग इंडिविजुअल्स ब्रीड, यदि वो रिप्रोड्यूस करते हैं विद इन द न्यू पॉपुलेशन, द इमिग्रेंट्स जो वहां पे एंटर हुए, दे आर गोइंग टू एड न्यू एलील्स टू द लोकल जीन पूल ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन। समझे अब बात? नई जगह पे जहां पे गए तो अब उनमें भी तो कुछ करेक्टर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, ब्लू आई कलर हो सकता है, हेयर का कलर डिफरेंट हो सकता है, हेयर पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। अगर हम इंसानों की बात करें, जिस नई पॉपुलेशन में वो गए हैं वहां जाकर के, बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, तो रिप्रोडक्शन उनमें हो सकता है। सो इफ दे मेट और दे ब्रीड और दे रिप्रोड्यूस विद द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर, नेचुरली जो एलील्स वो कैरी कर रहे हैं वो उन्हें स्प्रेड करेंगे उस पॉपुलेशन में। यही बात तो लिखी है कि न्यू एलील्स अब उस जीन पूल में एड हो जाएंगे। समझे? क्लियर हुआ है? क्लियर हो गई है इतनी बात? आपके थम्स अप साइंस आ जाने चाहिए, वीडियो पे लाइक्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा, राइट? देखते हैं वापस। इसी प्रक्रिया को जीन माइग्रेशन कहते हैं। समटाइम्स टू पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज विच वर सेपरेटेड, दे कम क्लोज ड्यू टू माइग्रेशन। जो अलग अलग पॉपुलेशंस थी जो किन्हीं कारणों से दूर हो गई थी, मान लीजिए बीच में बैरियर था, अब इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर रहे हैं तो इसी माइग्रेशन के कारण फिर से वो करीब आ जाएंगे। The genes of two populations intermingle through breeding and the result causes variations in the offsprings. अगली जो generation आएगी उनमें of course नए characters देखने को मिलेंगे। So gene migration, gene pool, gene flow, आप सादी भाषा में समझे, एक जगह से उठ करके members of a species, they migrate to a new place where members of their own species are present. These new entrants, they are called immigrants. The immigrants breed with the members who are already existing there and they spread the alleles which they are carrying in that population. If this gene migration is happening repeatedly, बार बार ऐसा हो रहा है, तब हम उसे gene flow कहते हैं, right? मैंने concept को बिल्कुल simplify करके आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सबको ये चीज समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। Genetic drift. Now ये एक बहुत ही interesting फिनोमिना है और नो डाउट ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है सडन ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सम चांस इवेंट। किसी भी पॉपुलेशन में अचानक ही किन्हीं कारणों से जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाना इज व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और वो सडन इवेंट, वो चांस इवेंट कोई नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है। जंगल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई जंगल में आग लग गई, हजारों जानवर मर गए उसमें। हम ये कह सकते हैं पानी में सुनामी की बात कर सकते हैं, समंदर में रहने वाले जानवर जो हैं, अगर सुनामी आया, एक प्राकृतिक विपदा है वो भी। सो प्राकृतिक विपदा जो है, इट कैन बी फ्लड, इट कैन बी फायर, इट कैन बी अर्थक्वेक, इट कैन बी सुनामी, इट कैन बी एनीथिंग। The gene frequency can change. Say for example, हम लगा लेते हैं कि if I take an example that Bangalore ले लिया, हमने कहा जी Bangalore की population जो है, एक random example ले रहा हूँ, Bangalore की population 10,000 है, of course इससे ज़्यादा होगी वो। Genetic drift जो है, it operates in larger population as well as smaller population. But
its effects are more clearly visible in case of smaller population. अगर population बहुत बड़ी है, तो वहाँ genetic drift जैसा phenomena के results जो है, वो dilute हो जाते हैं. So, genetic drift operate बड़ी और छोटी, दोनों populations में करता है, ये ध्यान रखिएगा. लेकिन, its effects are more clearly understandable or visible in the smaller population. इसलिए मैंने population size जो है, छोटा लेके आपको example दी, कि say for example, Bangalore की population जो है, वो 10,000 है. और हम कहते हैं, कि इनमें से, there are 1,000 people who are hemophilic, right? They are suffering with hemophilia. ये उस particular hemophilia allele की एक frequency मान ली आपने. Okay? अब खुदा न खास्ता मान लीजिए एक प्राकृतिक विपदा होगी, एक नेचुरल कैलामिटी होगी कि अर्थक्वेक आ जाता है और उस अर्थक्वेक के कारण पॉपुलेशन का साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाता है और एक चांस की बात लगा लीजिए कि जो हीमोफीलिया वाले थे वो उस अर्थक्वेक में नहीं मरे, वो बच गए और पॉपुलेशन का साइज 10,000 से रिड्यूस होकर 5,000 रह गया एक ही झटके में. समय नहीं लगा इसमें. और अब आप देखिए, पहले 10,000 में से 1,000 लोग आप हेमोफिलिक गिन रहे थे और अब पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो गया, 5,000 में से 1,000 लोग हैं हेमोफिलिक. नाउ दिस पर्टिकुलर एलील, इट मे इंक्रीज इन दैट पॉपुलेशन. अगर वो पॉपुलेशन आपस में ही इंडिविजुअल्स ब्रीड करते रहेंगे तो आने वाले समय में उस पर्टिकुलर एलील की फ्रिक्वेंसी हमें देखने को ज्यादा मिलेगी. ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. देखिए, नेचुरल सिलेक्शन भी जीन की फ्रीक्वेंसी को बदलता है लेकिन उसमें समय लगता है. इट इज अ स्लो प्रोसेस. नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स बाय लुकिंग एट द अडेप्टिव वैल्यू ऑफ द ट्रेट. वो उन करेक्टर्स को बढ़ावा देगा जो अच्छे हैं. लेकिन जब ऑपरेट कर रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो अच्छा और बुरा करेक्टर तो नहीं देखेगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी नेचुरल कैलामिटी के कारण हेमोफिलिया वाले भी मर सकते हैं, जिन्हें हेमोफिलिया नहीं है भाई वो भी मर सकते हैं. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द अडेप्टिव वैल्यू ऑफ द ट्रेट. ये बात मैं लिख देता हूं, इट ऑपरेट्स irrespective of adaptive value of trait, right? अच्छा होगा character, बुरा होगा, genetic drift ने ये नहीं देखना है. So what is genetic drift? It is drastic change in the allele frequency due to some chance event or when the population size becomes very small. Wo chance event natural calamity ho sakti hai. Wo chance event ho sakta hai migration to a new place. Jis chance event ki main baat kar raha hu yahan pe, wo chance events kaun kaun se ho sakte hain? The chance event can be ki certain individuals have decided to migrate to a new place. Migration to a new place, जिसे हम founder effect कह देते हैं. This chance event can be natural calamity, कोई प्राकृतिक विपदा हो जाए जिसके कारण population का size drastically reduce कर जाए. ये chance event हो सकता है excessive hunting, शिकार करके बहुत सारे members of the population को मार दिया जाए. जैसे हम कहें कि जंगल में बहुत सारे चीते थे, शिकार करके हमने बहुत सारे चीतों को मार डाला है, जो बाकी बचे हैं उनका जो आप जीन पूल देखेंगे, दैट इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेरेंटल पॉपुलेशन, जो उनके पेरेंटल पॉपुलेशन में देखने को मिलता था और जो अब उन बचे हुए चीतों में हमें देखने को मिलेगा, वो वेराइटी उतनी नहीं है जितनी उनके पेरेंटल जनरेशन में थी. जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिंपल मतलब मैंने समझाया, किसी पॉपुलेशन में अचानक ही जीन फ्रीक्वेंसी का बदल जाना एक झटके के साथ, जिसमें हजारों साल नहीं लगेंगे, बिकॉज अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, फायर हुआ, आग लगी, हजारों इंडिविजुअल एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे और जो बाकी बचेंगे, दे आर नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पेरेंटल पॉपुलेशन. उस चीज को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है. इसकी दो मुख्य उदाहरणें हम समझेंगे, एक होता है फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट, राइट? दोनों चीजें समझाऊंगा आपको. डेफिनेशन समझ आ गई और ये भी समझ आ गया, इट ऑपरेट्स इन स्मॉलर पॉपुलेशन एज वेल एज लार्जर पॉपुलेशन, राइट? देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम रखा गया है, इट इज नेम्ड आफ्टर अमेरिकन जेनेटिस्ट सिविल राइट,
who realized its evolutionary significance. तभी इसका नाम सिविल राइट इफेक्ट भी रखा गया है. Although genetic drift occurs in all population, ये बात important है, it occurs in all population, बड़ी हो या छोटी हो, its effects are most marked in very small isolated populations. अगर population बहुत बड़ी होगी तो results dilute हो जाएंगे. अगर मैं ये कह देता कि बैंगलोर की population 2 करोड़ है, 2 करोड़ में से 1000 लोगों को हेमोफीलिया है, सो भाई जब अर्थक्वेक आया तो हो सकता है हेमोफीलिया वाले, क्योंकि बहुत ही छोटी परसेंटेज आप ले रहे हो, 1000 लोग ले रहे हो, पॉपुलेशन इतनी बड़ी ले रही है आपने, तो हो सकता है वो सारे के सारे बच जाएं, उन्हें कुछ ना हो, और हो सकता है कि वो सारे के सारे मर जाएं. टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट आर, ये हम दो एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, दैट इज फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट. ठीक है जी, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स, राइट. फाउंडर इफेक्ट क्या है? फाउंडर प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे. फाउंडर इफेक्ट होता है, मान लीजिए ये एक ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन है. दिस इज ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल, ये हमने अलग अलग इंडिविजुअल्स दिखा दिए, अब इसमें से मैं कुछ इंडिविजुअल्स को अलग कलर से दिखा रहा हूं, बिकॉज हमें वेरिएशन दिखानी है, हमें दिखाना है कि भाई उनमें अलग से भी कोई करेक्टर है. ये है ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन. वन फाइन डे सर्टन मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन दे डिसाइड कि हम माइग्रेट करके एक नई जगह पे चले जाएंगे. सर्टन इंडिविजुअल्स माइग्रेट टू अ न्यू आइसोलेटेड प्लेस. सर्टन इंडिविजुअल्स, कुछ लोग यहां से माइग्रेट करके एक नई जगह पे चले जाते हैं पॉपुलेशन में से. मान लीजिए हमने कहा 5000 लोगों की पॉपुलेशन है, और उसमें से जो हमारे पास 1000 लोग हैं वो हेमोफिलिक हैं. ये हमने एक डाटा ले लिया, और एक दिन ऐसा होता है कि कुछ इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं. मान लीजिए 1000 लोगों ने डिसाइड करा या 500 लोगों ने डिसाइड करा कि हम ये ओरिजिनल पॉपुलेशन छोड़ के भाई नई जगह चले जाएंगे, एक न्यू आइसोलेटेड प्लेस में चले जाएंगे. तो यहां पर एक नई जगह दिखा देते हैं. This is a new isolated place. ये जिस जगह पे जाएंगे, एक condition हमें वहां पे ध्यान रखनी है. उस new isolated place में members of their own species should not be present. अगर आप इंसानों की बात करें तो वहां इंसान नहीं होने चाहिए. अगर आप किसी जानवर की बात कर रहे हैं, so members of the same species should not be present at that place, right? और अगर present भी हैं, तो ये न्यू एंट्रेंट उनके साथ ब्रीड नहीं करेंगे, उनके साथ मेटिंग नहीं करेंगे. अगर ये मेटिंग करेंगे उनके साथ, फिर तो ये जीन माइग्रेशन हो गया, फिर ये फाउंडर प्रिंसिपल थोड़े ना रहा. सो फाउंडर इफेक्ट में यही बात ध्यान रखनी है, दैट द सर्टन मेंबर्स ऑफ अ पेरेंटल पॉपुलेशन विच माइग्रेट टू अ न्यू आइसोलेटेड प्लेस, दे विल नॉट मेट विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज इफ दे आर प्रेजेंट एट दैट प्लेस. पहली कंडीशन है कि होने ही नहीं चाहिए वहां पे. ठीक है जी. सो अब हुआ क्या कि जो 500 लोग यहां माइग्रेट करके गए हैं, उनमें से लगभग हमने लगा लिया 300 हेमोफीलिया वाले उनके साथ चल दिए, और 200 वाले जो है वो नॉन हेमोफिलिक थे. अब आप देखो कि ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन में से हेमोफीलिया का कितने सारा एलील जो है वो वाइप आउट हो गए, वो चले गए, और जो नई पॉपुलेशन में जो 500 लोग गए हैं सर्टन इंडिविजुअल्स का जो हमने जिक्र करा, इन 500 पीपल में से मान लीजिए देर आर 300 पीपल हु आर हेमोफिलिक and there are 200 people who are normal. These new entrants, they are called founders of this place. Founder शब्द का प्रयोग क्यों करा हमने? ये उस जगह के संस्थापक कहलाएंगे कि इन्होंने वो जगह ढूंढी है, ये founders हैं वहाँ के, ये main population है वहाँ की, ये वहाँ पे settle होंगे, ये आपस में ही breed करेंगे. अब आप देखो hemophilic वाले भी males हैं इसमें और normal भी होंगे, आपस में breed करते करते आपको देखने को मिलेगा कि आने वाली generation में उस particular allele की frequency बहुत drastically high हो जाएगी. ठीक है जी. सो यहीं से हमने ह्यूमंस में फाउंडर इफेक्ट का जो है एग्जांपल्स पकड़ी. एक पॉपुलेशन में इसका एग्जांपल आपको बताता हूं. सन 1700 की बात है. सर्टन इंडिविजुअल्स ऑफ एमिश कम्युनिटी दे माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू पेनिसिल्वेनिया. एमिश कम्युनिटी, AMISH, सन 1700 में लगभग 200 लोग थे, नियरली 200 पीपल ऑफ एमिश कम्युनिटी, दे माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू पेनिसिल्वेनिया. उनमें से कुछ लोगों को एक जेनेटिक डिसऑर्डर था. उस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है एलिस वैन क्रिवाल्ड सिंड्रोम. एलिस वैन क्रिवाल्ड सिंड्रोम की सिम्टम्स होते हैं माइक्रोसिफेली, सिर छोटा हो जाता है, पॉलीडेक्टाइली, मेंटल रिटार्डेशन.
साइंटिस्ट ने एक चीज देखी कि भाई पेंसिल्वेनिया में जो एमिश कम्युनिटी के लोग हैं उनमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर इतना ड्रास्टिकली हाई क्यों है। जर्मनी में से पेंसिल्वेनिया माइग्रेट करके गए थे कुछ लोग, ये रीजन तो हमने बाद में ढूंढा। साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बात पकड़ी कि भाई पेंसिल्वेनिया में पाए जाने वाले जो एमिश लोग हैं उनमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर हर 14 में से एक इंसान को क्यों है, बाहर नॉर्मल पॉपुलेशन में तो बहुत कम लोगों को ये होता है। तब हमने उनका इतिहास पढ़ा, उनकी हिस्ट्री पढ़ी और हमें पता चला कि ये एमिश लोग मूल रूप से मुख्य रूप से यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इनके पूर्वज जो थे वो माइग्रेट करे थे। सन 1700 में लगभग 200 लोग माइग्रेट करके आए थे और ये एमिश लोग कंजर्वेटिव है, इनकी सोसाइटी शादियां आपस में ही होती हैं, बाहर दूसरी ये कम्युनिटीज में शादी भी नहीं करते हैं। सो उनमें से कुछ लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर था, आपस में ही शादियां होती रहीं और इतने सालों में लगभग 300 साल के करीब मान लीजिए बीत चुके हैं। अब क्या है कि एमिश लोगों में ये जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में पाया जाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। समझे आप बात? फाउंडर इफेक्ट में डार्विन्स फिंचेस भी एग्जांपल बताया था मैंने। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है एक जगह से उठ के कुछ इंडिविजुअल दूसरी नई जगह पे जाएं और आपस में ब्रीड करते रहें और फिर उनकी जो आगे जनरेशन्स आएंगी उनमें आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर देखने में काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में मिलेंगे। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि सर्टन इंडिविजुअल्स ही जाएं, आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे सोच लीजिए, ये भी हो सकता है किसी पेड़ के किसी पौधे के बीज जो है वो उड़ करके या नदी में किसी लॉग ऑफ वुड पे तैरते हुए समंदर में पहुंचे और वहां से किसी आइसोलेटेड आइलैंड पे पहुंच गए, उस आइसोलेटेड आइलैंड पे वो पेड़ उगना शुरू हो गया। सो वो ओरिजिनली तो फिर उस पेड़ के आगे बीज बने, उससे और पेड़ बने, तो अल्टीमेटली वो पूरे आइलैंड में इतने सारे जो है पेड़ हो जाएंगे। परंतु अगर हम ओरिजिनली देखें सो उन सब की एंसेस्ट्री एक ही पेड़ पे ट्रेस हो जाएगी ना, राइट? क्योंकि उसी के बीज उड़ते हुए एक जगह से वहां तक पहुंचे थे और उसी ने वो पूरा टापू जो है, पूरा आइलैंड जो है वो भर दिया उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज से। एनिमल में हो सकता है, मान लीजिए एक दीमक है, क्वीन जो है टर्माइट, वो ढेरों फर्टिलाइज्ड एग्स लेकर के पानी पे तैरती हुई किसी तरह से किसी एक आइसोलेटेड आइलैंड पे पहुंच गई जहां पे पहले से दीमक नहीं पाई जाती थी। अब वहां पे उसके फर्टिलाइज्ड एग्स से ही तो आगे की सारी जनरेशन बनी है, तो ओरिजिनली उनकी जो मदर कहलाएगी वो एक वही दीमक तो हुई। क्लियर है जी? राइट? फाउंडर इफेक्ट आज समझ आया आपको अच्छे से? फाउंडर इफेक्ट इज दैट व्हेन सर्टेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पेरेंटल पॉपुलेशन माइग्रेट टू अ न्यू आइसोलेटेड प्लेस, दे ब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील विच दे आर कैरिंग। वो एलील गुड हो या बैड हो ये बात की बात है। मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज शुड नॉट बी प्रेजेंट एट दैट न्यू प्लेस। इफ द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज आर प्रेजेंट देन दैट मीन्स कि वो तो फिर जीन माइग्रेशन हो जाएगा। बोलिए, बताइए जल्दी से, फाउंडर इफेक्ट का फंडा क्लियर हुआ? बिल्कुल। एग्जाम्पल मैंने एमिश कम्युनिटी में पाए जाने वाले एलिस वैन क्रिवेल्ड सिंड्रोम की दी है। मैं लिख देता हूं, आप गूगल पे भी इसके बारे में चेक कर सकते हैं। इन एमिश पीपल दे माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू पेंसिल्वेनिया, राइट? ठीक है जी। चलिए, इसी तरह से बॉटल नेक इफेक्ट होता है। बॉटल नेक इफेक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करा था स्टेबिन्स ने। बॉटल नेक इफेक्ट क्या कहता है बेटा? पहले तो बॉटल नेक वर्ड क्यों यूज किया? आप जानते हैं बोतल की गर्दन जो है वो छोटी होती है। यहां पे हमने दिखाया ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ये सब मेंबर्स जो हैं इनमें कोई ना कोई वेरिएशन है, वेरिएंट्स हैं, वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। मान लीजिए किसी कारण से अचानक पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस हो जाता है, जिसको आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है। द पॉपुलेशन साइज रिड्यूसेस। पॉपुलेशन क्रैश होने की वजह एक्सेसिव हंटिंग हो सकती है, पॉपुलेशन क्रैश होने की वजह हो सकती है कि कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, तो वो जो इंडिविजुअल्स बच गए, अब उनमें से हो सकता है ज्यादातर जेनेटिकली डिफेक्टिव बच गए हों। दैट स्मॉल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल वेराइटी। जितनी ओरिजिनल वेराइटी हमें यहां मिल रही है उतनी ओरिजिनल वेराइटी आप देखिए हमें इस सर्वाइविंग पॉपुलेशन में नहीं मिल रही। यहां पे कलर अलग अलग लेकर के दिखाया गया है, ब्लू बॉल्स, येलो बॉल्स, व्हाइट बॉल्स, फिर हमने कहा पॉपुलेशन क्रैश हुआ और यहां पे आपको ब्लू और व्हाइट एक ही दिखाई, यहां पे येलो दिखाई नहीं, क्योंकि भाई हो सकता है वो मर गए सारे के सारे, पॉपुलेशन क्रैश में फंस गई है। कई बार इस तरह की पॉपुलेशंस खत्म भी हो जाती हैं, वो अगर
अपने आप को इस बॉटल नेक से नहीं निकाल पाई, अपनी वैरायटी आगे नहीं बढ़ा पाई तो खत्म हो जाएंगी। नॉर्दर्न एलिफेंट सील में ऐसा हुआ, 20,000 सील से घट के एक्सेसिव हंटिंग के कारण बहुत कम सील्स रह गई थी। एनवायरमेंटलिस्ट ने उन्हें बचा लिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सील्स दे कैरी दोज जेनेटिक डिफेक्ट्स, राइट जी। ये हुआ जेनेटिक बॉटल नेक इफेक्ट, क्लियर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने फाउंडर इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ा। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, कई नई चीजें आपको आज पता चली होंगी जो पहले से आपको नहीं पता थी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस टॉपिक जितना संभव हो सके। आने वाली क्लासेस में आपके साथ और चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ये भी समझेंगे कि नॉन रैंडम मेटिंग जो है इसका क्या एडवांटेज है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आपको अलग अलग तरीके समझाऊंगा। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स दे मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ अ स्पीशीज एंड दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स। देर आर प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, देर आर पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। इन सब का जिक्र हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको टाइम टेबल बता दूं क्लास 11th के लिए। हम लोग आपसे मिलते हैं मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। टाइमिंग्स सब्जेक्ट्स के बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं 4, 5, 6। 4 से 5 बायोलॉजी होता है, मैं होता हूं आपके साथ। फिजिक्स की क्लास 5 से 6 एंड केमिस्ट्री की 6 से 7। क्लास 12th के लिए जो है सेम टाइमिंग्स रहते हैं, डेज बदल जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। #NEETLIVEDAILY के साथ आप हमारे लेक्चर को टैग करके अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। मेरे दाएं बाएं जो आप देख पा रहे हैं वो आपसे ये कहा जा रहा है कि इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसके PDF नोट्स जो हैं उसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए JEE, जूनियर क्लासेस यानी 9th और 10th के लिए फाउंडेशन का चैनल है, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब आपसे विदा लेते हैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।